हाय गाइस, आज तो महंगी बातचीत होने वाली है क्योंकि मैं आया हूँ वीडियो में। हाँ, और साथ में आने वाले हैं मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर्स। देखो कितना क्यूट सा है। ये तो बहुत छोटा बर्गर है यार। सांप की छतरी कलौंजी लगी हुई है इसके ऊपर, तो गोल्ड प्लेटिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे खाऊं या अपने बैंक के लॉकर में रखूं। अंगूठी बना दे। हजार हजार रुपए का एक एक बर्गर भाई लाओ। सबसे पहले आया गुड फ्लिपिन बर्गर, 450 रुपए का बर्गर है। इसका नाम है क्लकीनेटर एंड ये मैंने बहुत बार खाया है। क्लकीनेटर नहीं खाया, इसका एक दूसरा बर्गर खाया, आज ये भी खा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 450 में से 90 रुपए तो सिर्फ इस फैंसी नाम के ही हो गए होंगे। ये इसके ऊपर लिख देते ना अंडे वाला बर्गर तो भी हम खुश होकर खा लेते। आज के वीडियो के अंदर ना आपको रिव्यू पे ध्यान देना है गट्टू के, बिकॉज इतने सोफिस्टिकेटेड और महंगे टेस्ट बट सिर्फ इसके है। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है भाई? तो सबसे पहले हमारे पास बन आया जिसके ऊपर कलौंजी लगी हुई है। कलौंजी होता है ये एक्चुअली गुड लुकिंग बर्गर है ना, तो इस पर काला टीका लगाया है ताकि नजर ना लग जाए। वाओ, इन हाउस मेयो, देख के ही पता लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसीज है। तो सबसे बढ़िया बात क्या होती है ना इन बर्गर्स की, जो महंगी बातचीत होती है इनकी, ये हर चीज खुद घर पे बनाते हैं। सॉरी, घर पे नहीं, अपनी दुकान पे बनाते हैं। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सबसे ऊपर है बेकन। आजकल बेकन का ट्रेंड कितना ज्यादा चल पड़ा ना। मुझे लेटेस्ट पसंद नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। जहां तक बेकन की बात है, मैंने लाइफ में बेकन खाया है फ्लूरीज कोलकाता, उसके बाद आज ट्राई करूंगा। क्या आप बात कर रहे हो? और ये बेकन वो वाला है, एकदम डिफरेंट वाला है, इम्पोर्टेड बेकन। वेरी नाइस बर्गर, वेरी नाइस बर्गर। जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना इसके अंदर, दैट इज फ्रॉम बेकन, वो अमेजिंग है। देखो मैं कंपेयर करूंगा, बुरा मत मानना, जैसे KFC का जिंगर बर्गर होता है। हाँ। उसकी जो अंदर पैटी होती है ना, जो फ्राइड पैटी, उसका ना मसाला टेस्ट हमेशा अनइवन होता है, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। इसमें अगर आप टेस्ट करो, मिर्च मसाले ऑन पॉइंट। बर्गर खाने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अब जैसे मैं आगे से बाइट ले रहा हूँ, ये सारा पीछे से निकल आया, मेरे मुंह के अंदर सिर्फ बन आए। जब आप बर्गर पकड़ते हो ना, एक उंगली आगे वाली आगे रखो और लास्ट वाला ये पीछे रखो, ठीक है? और इसको थोड़ा प्रेस करना, जब बाइट ले रहे हो तो ज्यादा प्रेस करना। अभी तो मैं पीछे से ही खाऊंगा क्योंकि सारा माल तो यही है। फर्क पड़ा? नहीं। बर्गर सबसे बढ़िया बनता सीजनिंग पे, जो उसका टेस्ट होता है ना पार्टी का, एंड पार्टी होनी चाहिए जूसी और बन होनी चाहिए एकदम सॉफ्ट। इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। मुझे जो बेस्ट चीज लगी है यार, इफ यू नो मी यू ऑलरेडी नो दिस थिंग अबाउट मी, मुझे ना मसालेदार चीजें पसंद है। और ये है मसालेदार। जनरली मैंने ये नोटिस किया, जो बहुत महंगा खाना होता है ना, वो उतना ही ब्लैंड टेस्ट वाला, ब्लैंड टेस्ट होता है। इस बर्गर के साथ ये अच्छी बात है, इसका टेस्ट ब्लैंड नहीं है। तो बेसिकली ये बर्गर इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट एकदम हाई क्वालिटी यूज किया है, और ऊपर से उन इंग्रेडिएंट का यूज भी बहुत अच्छे तरीके से करा है। दिस इज वन बर्गर जो आई थिंक आई विल ऑर्डर अगेन। 8.5 नंबर, आई विल रेट दिस 8 out of 10। एक और फैंसी बर्गर हमारे पास आ गया, सैंडबर्ग्स का द ट्रफल पोलो। सैंडबर्ग, नाम देख लो, और मेरे ख्याल से सिर्फ नाम के पैसे जा रहे हैं ये। यार इतने फैंसी फैंसी नाम ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अगली बार क्या ऑर्डर करना है ये याद ही नहीं रख पाऊंगा। पैकेजिंग का जादू ये होता है वो। मैं बताता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपके पैकेजिंग में नहीं है। अबे खुल। पिछले बर्गर के मुकाबले आई ऑलरेडी लाइक दिस वन बेटर। मुझे ना वो बर्गर ज्यादा पसंद आते हैं जो इजीली आपके मुंह में फिट हो जाए। एक्चुअली एक बर्गर सबसे बढ़िया होता ही है जो आपसे वन बाइट ढंग से खाई जाए और हाथ में भी अच्छे से फिट आए, मतलब ड्रिप ना हो बाहर। देखो कितना क्यूट सा है, क्या सही साइज है इसका। इसका नाम है US ट्रफल पोलो बर्गर। पोलो बर्गर्स क्या होते हैं? सैंडविचेस होते हैं। बेसिकली जो फ्राइड चिकन की पैटी होती है ना, ऊपर बन होते हैं प्लेन ऊपर वाले, तो इन्हें सैंडविचेस बोलते हैं। तो इस पे अलग से इतनी सारी वो नहीं लगी हुई, चटनी नहीं लगी हुई। इसके अंदर चीज देख रहे हो आप, एकदम हाई क्वालिटी चीज, Alapinos या जो भी बोलते हैं इसको, Alapinos। This one is more on the drier side। अंदर तक ले जाने के लिए कोल्ड ड्रिंक की सिप लेनी ही पड़ी। ये काफी ड्राई हो चुका है, एंड मैं ये बोलूंगा कि इनकी गलती नहीं है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। जो बन है ना वो मुंह में जाती मेल्ट हो रहा है।
वो निशानी होती है। अब चिकन तो पड़े पड़े थोड़ा सा हार्ड हो ही जाता है, तो दैट इज व्हाट इट इज, बट सॉस इज वेरी नाइस, डिफरेंट। आई एम जस्ट सो ग्लैड अबाउट द फैक्ट दैट दिस बर्गर इज ऑल्सो वेरी फ्लेवरफुल। बट सिर्फ इसमें एक ड्रॉबैक है कि क्वांटिटी थोड़ी कम है। अगर मेरे जैसा इसको धूस बंदा खाए तो उसको ऐसे दो बर्गर लग जाएंगे। टेस्ट के मामले में पहले वाला हैड मोर फ्लेवर्स एंड थोड़ा ज्यादा फिलिंग भी था वो, इसीलिए इसको मैं दूंगा 7 नंबर। मैं इसको इसके प्राइस, टेस्ट और क्वालिटी के हिसाब से स्टिल 8 नंबर दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट बर्गर है बर्गर रामा की तरफ से, एंड इसकी सबसे पहले रामा की तरफ से पैसा खर्चा किया भाई, किसी की तरफ से नहीं है। अगर तरफ से है तो अर्बन कंपनी की तरफ से है, क्योंकि पैसा वो देते हैं। आज की पार्टी अर्बन कंपनी की तरफ से। यार अगर आपको भी अर्बन कंपनी से कोई भी सर्विस बुक करानी है, नेवर फॉरगेट, आपको TUG फैम कोड यूज करना है टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। बर्गर वर्गर सब अपनी जगह पे, पहले पैकेजिंग। अब आपने इनसे बर्गर मंगवाया, आपको भूल गया आपको बर्गर कौन सा मंगाया, तो उन्होंने हर चीज लिखी हुई है, ढंग से मार्क करी हुई है। लेकिन मुझे पैकेजिंग 550 रुपए के हिसाब से थोड़ी फीकी लगी। आई विल टेल यू व्हाट, ये जो पैकेजिंग है ना, ट्रेडिशनल बर्गर की पैकेजिंग है? जो फास्ट फूड की होती है। आपने DDLJ नहीं देखी? अरे वो सब छोड़िए, तो बहुत छोटा बर्गर है यार। तिल वाले बन और किसके होते हैं? मैकडी के होते हैं, बर्गर के होते हैं, मैकडी के होते हैं, ऑलमोस्ट हर बर्गर के होते हैं, मतलब जो 200-150 रुपए का मिल जाता है। इसके अंदर खीरा भी है? खीरा नहीं है, पिकल्स है ये। थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे, बर्गर देख के इतना अच्छा नहीं लग रहा जैसे मतलब होना चाहिए बर्गर को, बट लेट्स ट्राई। इंटरेस्टिंग। ये जितना देखने में सॉलिड लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेंडर है। इसकी बाइट ली और सारी मेल्ट होके सीधा उतर गई। महंगे बर्गर्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लैंड होंगे, ये उस तरफ जा रहा है। इनफैक्ट मुझे तो इसके अंदर ना हल्की सी स्वीटनेस लग, स्वीटनेस है, और वो केचप का टेस्ट आ रहा है ना इसमें ना। स्वीटनेस पता किसकी है? इसी खीरो की, गर्किंस की स्वीटनेस है, और एक आप कुछ ज्यादा ही स्वीट है। सिर्फ एक ये निकाल के खा के देख, बहुत स्वीट है ये। जस्ट लाइक मी। ओके आई एम सॉरी, बट मैं इसको रेट करूंगा 5-10 में से। मैं भी इसको दूंगा 5 नंबर। ये बर्गर पता है नीरज को बहुत पसंद आता। आई बेट आता उसको पसंद, क्योंकि तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा तो उसे अच्छा लगेगा। ये मैं बचा के रख लेता हूं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बर्गर आया सबसे आइकॉनिक रेस्टोरेंट से, जो कि है चिलीज अमेरिकन रेस्टोरेंट। देखो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बोल सकते हैं। देखो इसमें ये तो पहले ही एक्स्ट्रा मार्क्स ले गया, क्योंकि इसने फ्रेंच फ्राइज भेजे बर्गर के साथ। भाई पैकेजिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि गट्टू की शादी का शगुन आए हैं। ये वाला जो है ये फ्राई फ्राई नहीं लग रहा है, ये वेजेस लग रहा है। वेजेस जैसा लग रहा है, सही कह रहे हो। अगर आप ये सोचो अरे इतनी बारीकी से क्यों कमियां निकाल रहे हो, भाई 750 रुपए का बर्गर है, ध्यान से देखना पड़ेगा ना। अच्छा एक बार इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये टिक्की है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे किस चीज के पीसेस डले हुए, इसमें सॉसेजेस डले हुए, ये क्या सीन है? क्या सॉसेज है यार? बेकन भी डाला हुआ है, सॉसेजेस भी डाले हुए हैं। ये अंडा है या चीज है? सारी चीजें साथ में देख के ऐसा लग नहीं रहा था मिलके कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट दे सकती हैं, लेकिन ये तो भारत निकला। जातियां अनेक हैं, वेशभूषा अनेक है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। सलमान खान की मूवी को याद कर रहे हो आप? थैंक्स गाइस। अरे तालियां बंद करो यार, रुक जाओ यार, मेरा ये नॉलेज से पेट भर गया। एक और बाइट लेते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरी ले पाऊं। यार खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको टेस्ट इज नाइस, टेस्ट इज शायद ठंडा हो गया बर्गर, इसलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बोलूंगा मैं इसको। 7 नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मीट। मैं इसको दूंगा 6 नंबर। यार ऑल ब्लैक पैकेजिंग बहुत ही क्लासी लगती है मुझे। एंड देखो खुलता कैसे भाई, इसके ऊपर तो गोल्ड प्लेटिंग है। ये सच में असली गोल्ड है? ये 1000 रुपए का बर्गर है।
इससे पहले हमने लाइफ में एक बार गोल्ड प्लेटेड घारी खाई है सूरत में, उसका भी कोई टेस्ट नहीं आया, इसका भी कोई टेस्ट नहीं आया। वो हमें वर्थ इट नहीं लगी थी। वी रियली होप ये बर्गर वर्थ इट हो। आई एम 100% श्योर इस गोल्ड का सिर्फ इसको महंगे दिखाने का काम है, क्योंकि कोई टेस्ट तो होता नहीं, गोल्ड न्यूट्रल होता है। बट हम इसमें क्या करेंगे, अब इसका कोई टेस्ट तो है नहीं, निकाल के इकट्ठा करेंगे कल बेचेंगे। मेरा भी रख ले। अबे देख रहे हो भाई का काम, अंगूठी बना दे। ये तो ऐसे गोल्ड निकाल रहे हैं जैसे प्रोफेशनल चेन स्नैचर हो। ये तो उंगली भी नहीं दिखा सकता। अब वापस बर्गर पे आ जाते हैं। नुकसान, बहुत नुकसान कर दिया भाई। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लेटेस अपने बर्गर में, बट दिस वन एक्चुअली लुक्स एपेटाइजिंग। अच्छा इसमें ट्रफल्स भी हैं। ओ इसमें दूसरे मशरूम्स भी हैं। ओ भाई साहब, मशरूम बर्गर है क्या ये? लग तो ये ओरिजिनल ट्रफल्स हैं और ये दूसरा मशरूम है। हैं? वाओ। ओ भाई ये तो पूरा मशरूम है, सांप की छतरी। मैंने आज तक कभी ट्रफल नहीं खाया क्योंकि बहुत महंगा है। मैं नहीं चाहता कि मैं खाने पे EMI चढ़ाऊं, इसलिए मैं कभी खा नहीं पाया। अरे मेरे सारे भाई एक खाते। ये खाते खाते सारा ये तो हाथों पे ही लग जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे खाऊं या अपने बैंक के लॉकर में रखूं, क्या करूं मैं इसको। फील तो है, जो अमीरों का खाना होता है ना हमें जनरली पसंद नहीं आता, इसमें वो थोड़े थोड़े फ्लेवर्स हैं। ये भी मसालेदार या तड़कता भड़कता नहीं है, लेकिन जो जूसी फ्लेवर है ना, दैट इज मेकिंग अप फॉर इट। मैं थोड़ा इसके खिलाफ हूँ, देखो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, खिलाफ है कि मैं नहीं, मेरे को ये ऐसा लग रहा है जैसे महंगा बस बनाया गया विद रिच इंग्रेडिएंट्स। चीजें महंगी होती हैं वो इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही तो होती हैं। अब कैवियार का बर्गर अगर होगा तो उसके अंदर सिर्फ कैवियार ही तो ऐड होगा, उसी के तो आई एम श्योर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चीज महंगी है तो बुरी है, मेरे को नहीं अच्छी लगी। मतलब जो उसके फ्लेवर्स है ना, जो कम मेरे पैलेट पे बैठ नहीं पा रहे, एक साथ मिल नहीं पा रहे। ₹1000 का वर्थ इट है? I don't think so. मैं कभी ₹1000 खर्चूंगा? I don't think so. लेकिन मुझे टेस्ट genuinely अभी जो पिछले एक आध बर्गर खाए हैं उनसे काफी बेहतर लगा। भाई इसका बन इतना सॉफ्ट है, एरी है, देखो जगह है इसके अंदर। बन में तो ये भाई मतलब 10 में से 10 नंबर वाला बन है। I'll rate this one 8 out of 10। टेस्ट क्योंकि मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ₹1000 में खर्च। ₹1000 मैं से दूंगा 10 में से 7 नंबर, जस्ट बिकॉज बन बहुत एरी है। टेस्ट मुझे इसका इतना वो नहीं लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं, एंड आई एम 100% श्योर ये हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ओपिनियन बेस्ड है, अगर आपको ऐसे फ्लेवर्स पसंद है तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, बट हर किसी के बस की बात नहीं है ये फ्लेवर्स ट्राई करना। मैं बस चाहता हूँ मैं जिंदगी के अंदर इतना अमीर हो जाऊँ, इस मुकाम तक पहुँच जाऊँ कि मैं रैंडमली किसी दिन बर्गर खाने का मन कर रहा है तो ऐसे फैंसी बर्गर खा के उनका टेस्ट डेवलप कर पाऊँ। यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, फटाफट से हमें 500K के मार्क पर पहुंचाना है। काफ़ी टाइम हो गया, 500K पहुंचाते हैं या TUG फैम को बड़ा करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना टू द अर्बन गाइड। एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा है हमें कोई और बर्गर भी ट्राई करना बचा था, वो भी बता देना कॉमेंट करके, वो भी ट्राई कर लेंगे।